के अलावा उसने 100 कंपनियां फर्जी खोल रखी थी। सियार भंसाली का पूरा नाम चैन रूप भंसाली था। चैन रूप भंसाली जब हम वहाँ पर गांव में रहते थे सुजानगढ़ में, तो बहुत छोटा था और वो हमारा मकान और उसका मकान दोनों आसपास में थे और दोनों में अच्छा पारिवारिक संबंध था। उसके बाद मैं आसाम चला गया। फिर चैन रूप भंसाली के जो पिताजी थे वो कलकत्ता में काम करते थे जूट का। तो चैन रूप जब बड़ा हुआ 11 क्लास सुजानगढ़ में पढ़ के फिर कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में उसने बीकॉम की, फिर सीए किया। सीए करने के बाद वहाँ पर उसने ऑफिस की, लेकिन उसकी ऑफिस चली नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि ऑफिस उसकी यहाँ तक नहीं चली कि वो ऑफिस का खर्चा भी नहीं दे सकता था, किराया भी देना उसकी मुश्किल था। तो उसने फिर शेयरों वालों को कंसल्टेंसी देना शुरू किया। उसमें उसका बड़ा खूब कमाई हुई। तो उसने शेयरों में कमाई की, तो उसने बॉम्बे चला गया। वहाँ से बॉम्बे आकर के उसने सीआरबी कैपिटल खोला। सीआरबी कैपिटल खोल करके उसका पब्लिक शेयर ले आया। पब्लिक से लेकर के पब्लिक से खूब पैसे इकट्ठे कर लिए। पब्लिक ने उसके उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सबके शेयर भेजे उसने। इसके बाद में वो 6 महीने के बाद में फिर उसने राइट इशू लाया। अब वो क्या करता था सीआरबी कि उसको पैसे कहाँ से आते थे? गांव में जाता, गांव में बहुत पैसे वाले लोग रहते थे। सुजानगढ़ वहाँ मीटिंग करता, वहाँ पर सबको बुलाता, सब आते वहाँ पर और आकर के सबको शाम को खाना खिलाता और उनसे पैसा ब्याज पर लेता। उनसे 18% से लेकर के और 30% तक ब्याज पर लेता था और महीने के महीने उनका ब्याज भी देता था सीआरबी। और उस जगह जगह जहाँ भी उसको पैसे की मिलती वहाँ वो पहले जाता और पैसा इकट्ठा करता। इस तरह उसने सीआरबी कैपिटल को खूब बढ़ा कर लिया। बढ़ा करके उसने लेकिन अनुचित काम यही किया, जो पैसे वो कलेक्शन करता था, पैसे लेता था लोगों से ब्याज पर, वो पैसे उसने शेयर मार्केट में लगाना चालू कर दिए। उसने सीआरबी कैपिटल और सीआरबी म्यूचुअल फंड खोला एक, और एक कंपनी उसने ओन खोली। इसके अलावा उसने 100 कंपनियां फर्जी खोल रखी थी। ये हमें सब बातें हमें बाद में मालूम पड़ी। एक समय यह है तो जब वो सीआरबी कैपिटल का राइट इशू आया तो उसका एक डायरेक्टर था जो कोटा में आया, उसका नाम था नवचरमल भंसाली। मैंने उसको कहा यार तुम सीआरबी कैपिटल का डायरेक्टर है और तू विद्यासर का है, सुजानगढ़ का रहने वाला है, मेरे पास का रहने वाला है और मेरे शेयर वहाँ पर अभी तक 200 पड़े हैं, अलॉटमेंट के अभी तक नहीं आए। बोले नहीं काका जी ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके शेयर कैसे नहीं आएंगे? तो मैंने कहा देख लो ना, तुम फोन करके देखो। तो उसने कंपनी को फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि हाँ 200 शेयर हमारे अलॉट हुए थे और अभी तक भेजे नहीं। तो बोला अभी का भी भेजो इनको। और 5 दिन हमारे शेयर आ गए थे, हमने तो शेयर भेज दिए। फिर वो घर पर भोजन के लिए आया। उसने भोजन करने के लिए लंच के अंदर में कहा काका जी आप पंकज को यहाँ क्यों रख रहे हो? आप बॉम्बे भेज दो, 1-2 करोड़ रुपए के शेयर दिला के इसको किसी कंपनी का हम डायरेक्ट बना देते हैं, हमारे पास बहुत सी कंपनियाँ हैं। मैंने कहा भैया हम तो यहीं पर नॉर्थन बहुत अच्छे हैं, यहीं पर अपने सुखी है, हमें बॉम्बे जाके क्या करना। बोले नहीं काका जी आप समझते नहीं हो, यहाँ क्यों आप पंकज को रखते हो, पंकज को वहाँ भेजो ना। मैंने कहा नहीं हम तो यहीं अच्छे हैं। उसके बाद सीआरबी कैपिटल का वो जो राइट इशू है वो भी सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद उसका बहुत चलने लगा, पैसे उसको जगह जगह से पैसे मिलने लगे। यहाँ तक कि वो आचार्य तुलसी का बहुत भगत था। उसकी एक मंथली बुक किताब निकलती थी आचार्य तुलसी की, उसका पूरा खर्चा सीआरबी चैन रूप देता था। चैन रूप भंसाली उसका पूरा खर्चा, पूरा जो भेजने का, पार्टियों को भेजने का सब खर्चा उसका लगता था। लोग कहते देखो कितना भगत आदमी है, चैन रूप कितना भगत है, आचार्य तुलसी की पत्रिका निकालता है और पैसे सब खुद खर्च करता है। कम से कम महीने के समझो 1-1.5 लाख रुपये खर्च करता था वो। लेकिन उसके बाद भी ये किसी अंदर की बात किसी को मालूम नहीं थी। फिर उसके बाद में सीआरबी ने फिर जब उसने चारों तरफ से पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद में उनको महीने एक महीने ब्याज देना पड़ता था, तो फिर वो इस पैसे लेने लगता। उनकी उन्होंने 36% तक ब्याज पर पैसा लिया। उसके बाद उसने एक बैंक खोलने की चेष्टा की, सीआरबी बैंक। बैंक के लिए रिजर्व बैंक ने उसको परमिशन नहीं दी तो वो कैंसिल हो गया प्रपोजल। संयोग से वो अपना काम ठीक से वो चल रहा था, पैसे इकट्ठा कर रहा था, इधर जहाँ से भी उसको पैसे मिलते वो लेके शेयर मार्केट में लगा रहा था। और लेकिन ये वो शेयर मार्केट में भी जो पैसे लगा रहा था वो भी अनुचित तरीके से लगाता था, उचित तरीके से नहीं लगाता था। अचानक 1995 में शेयर मार्केट में एक छोटी सी मंदी आ गई। वो मंदी के अंदर में उसके सब शेयर टूट गए, उसका सीआरबी कैपिटल भी टूट गया और उससे जो भी लोग उससे पैसे मांगने थे सब पैसे मांगने आ गए। उसके बाद पैसे छोड़ के ब्याज देने को भी नहीं था, ब्याज देने को नहीं था। उसके बाद कुछ लोगों ने केस कर दिया, बैंकों में उन्होंने केस कर दिया। तो उसके बाद भाग के वो पर वहाँ से सिंगापुर चला गया
वहाँ सिंगापुर चला गया भाग करके, तो अपनी विद फैमिली वहाँ चला गया। कुछ महीनों बाद में उसको वहाँ से सिंगापुर से यहाँ लाए और उसको अरेस्ट किया। उसके बाद में अरेस्ट करने के बाद में उसके ऊपर केस चला, लेकिन उसने किसी के पैसे दिए नहीं, सीआरबी ने 1200 करोड़ रुपए वो पब्लिक के खा गया। अब सवाल है कि क्या 1200 करोड़ सीआरबी खा गया? नहीं, उसके पास में कुछ आदमी ऐसे थे जो उससे काम करते थे, उनके पास में उसके पैसे थे। कुछ व्यापारियों से काम करता था, उनके में भी वो पैसे मांग रहा था। वो व्यापारियों ने किसी ने उसको एक पैसा भी नहीं दिया, व्यापारी सब उसके पैसे खा गए सीआरबी के। और इस तरह सीआरबी का ये यहाँ पर 1200 करोड़ रुपया गया। अब वो यहाँ कहाँ है इस समय उसका कुछ ही पता नहीं है, और उसका परिवार है वो कहाँ पर है, वो भी बॉम्बे में रहता है, लेकिन सीआरबी कहाँ रहता है, क्या करता है, ये अभी कुछ पता नहीं है। ये सीआरबी बंसाली की छोटी सी एक बात है जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में आपको एक छोटी सी कहानी और सुना दो साथ में। क्या है कि एक दादा था, वो अपने क्या टोपी बेचता था, जंगल में से निकल रहा था टोपियाँ बेचते हुए, उसको नींद आ गई टोपी बेचते हुए वहाँ पर एक जगह जंगल में। तो वहाँ बंदर थे बहुत से, सब टोपियाँ लगा के अपने अपने सिर पर नाचने लग गए वहाँ पर। तो उसकी नींद खुली, सुनते अरे सब बंदर मेरी टोपियाँ ले गए, अब क्या होगा। तो उसने अपने सर पर टोपी थी उसने उठा के फेंक दी, जोर से फेंक दी। बंदर ने भी सब अपनी टोपियाँ फेंक दी, क्योंकि बंदर तो नकलची होते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे वो करता है। तो बंदरों की टोपियाँ थी, उसने अपनी सब टोपियाँ इकट्ठी की, रफ्तार चला दिया। फिर उसका बड़ा कुछ वर्षों बाद उसका पोता टोपियाँ बेचने गया। पोते को कहा देख ध्यान रखना, जंगल में बंदर है, टोपी उठा के ले जाएंगे, तेरी टोपियाँ ले जाए तो तू अपने सर की टोपी फेंक देना, तो वो भी टोपियाँ फेंक देंगे। तो जंगल में से गया तो वो एक दिन नींद आ गई उसको, वहीं बंदर आके सब उसकी टोपियाँ लेके नाचने लग गए उसके पहन करके। तो उठा उसके और बंदर सब टोपियाँ ले लिए। तो उसने अब दादाजी की बात याद आई कि दादाजी ने मुझे क्या कहा था। तो उसने अपनी टोपी उठा के और जोर से फेंकी, फेंकी तो बंदरों ने बंदर वो भी टोपी उठा के ले गए। उसमें एक बंदर है वो भाषा बोलता था, उसने कहा हाँ तुम्हारे दादाजी ने एक कहा था ना कि टोपी फेंक देना, तो सब बंदर टोपियाँ फेंक देते, लेकिन हमारे दादाजी भी कह के गए हैं कि अगर वो टोपी फेंक देना तो तुम टोपी फेंकना मत, तुम उसकी टोपी भी उठा के ले आना। और टोपियाँ मस्त करते हुए बंदर चले गए।